अंजलि अपने बेटे मनोज और बहू शीला के साथ रहती थी। शीला बहुत सीधी सादी थी, वो घर का सारा काम काफी अच्छे से करती। शीला सुबह उठकर घड़ी देखते हुए कहती है, अरे आज तो मैं उठने में आधे घंटे लेट हो गई, माँ जी गुस्सा कर रही होंगी। तभी अंजलि आवाज देती है, अरे ओ बहू, आज तुम्हारी सुबह होगी भी या नहीं? न जाने किस मुहूर्त में ये बहू बनकर मेरे घर आई थी। अरे ओ महारानी, आज सुबह की चाय नसीब होगी भी या नहीं? जी माँ जी, बस अभी चाय लेकर आ रही हूँ। अंजलि शीला को बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन अपने बेटे मनोज के सामने वो अच्छी सास बनकर रहती थी। शीला फिर तुलसी माता के पास जाकर रोती हुई सारी बात बताती है। शीला भी कभी अंजलि की शिकायत अपने पति से नहीं करती थी। मनोज गांव से दूर शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसकी वजह से घर पर वो कम ही रह पाता था। आपको सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, कभी दो तीन दिन की छुट्टी लो ना। छुट्टी तो ले लूंगा, लेकिन तुम छुट्टी में करना क्या चाहती हो ये तो बताओ। बहुत दिन हो गए माँ पापा से मिले हुए, उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, मैं आज ही छुट्टी की बात करता हूँ। तैयार रहना, अगले शनिवार को हम माँ पापा से मिलने चलेंगे। मनोज और शीला की सारी बातें चुपके से अंजलि सुन रही होती है और मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा तो मायके जाने की तैयारी चल रही है, मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है। कुछ देर के बाद मनोज अपने ऑफिस चला जाता है और शीला घर के काम में लग जाती है। तभी अंजलि अपने कमरे से आवाज देती है, बहू, अरे ओ बहू, सुनाई नहीं देता क्या? अभी आई माँ जी। हाँ आज खाने में मेरा छोले चावल खाने का मन कर रहा है, तो तू जितनी जल्दी हो बना दे। लेकिन माँ जी खाना तो मैंने बना दिया है, कल बना दूंगी। अच्छा तो तू मेरी बात नहीं मानेगी, लगता है तेरे दिमाग में बहुत चर्बी चढ़ गई है। जाके जल्दी से मेरे लिए छोले चावल बनाओ, नहीं तो मुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। माँ जी बिना चने भिगोए छोले कैसे बनाऊं? मुझे पता था तू यही बहाना बनाएगी, इसीलिए मैंने सुबह ही चने भिगो दिए थे। अब जल्दी से जा और बना कर ला। ना चाहते हुए भी शीला को खाना बना होने के बाद भी छोला बनाना पड़ा। छोला बनाकर वो अंजलि के लिए खाना परोस कर ले आती है। ये लीजिए माँ जी छोले चावल। इतनी देर लगा दी तुमने, खैर दो खा ही लेती हूँ। एक और मुंह में ले जाकर अंजलि कहती है, छी 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 छी, ये क्या बना है, इसमें तो सिर्फ मिर्च ही मिर्च है, लगता है तुम मेरी जान लेना चाहती हो। अरे चुड़ैल, तुम्हें छोला बनाना क्या कह दिया, तुम तो मेरी दुश्मनी बन बैठी। लेकिन माँ जी मैंने तो कम मिर्च ही डाला था, पता नहीं इतना कैसे हो गया। तो तू क्या कहना चाहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी रुक, अभी मजा चखाती हूँ। अंजलि एक डंडा लेकर शीला को मारने लगती है, जिसकी वजह से शीला रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अंजलि आए दिन शीला के साथ बदसुलूकी करती रहती। आज भी उसने चुपके से छोले में ढेर सारा मिर्च पाउडर डाल दिया था, ताकि शीला को वो परेशान कर सके। लेकिन शीला कभी मनोज से कोई शिकायत नहीं करती, हालांकि मन ही मन वो काफी दुखी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। शीला अपने कमरे में रोती हुई मन ही मन कहती है, हे भगवान, न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि मेरी सास मुझे जरा भी नहीं समझती, वो हमेशा मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अच्छा है दो दिन के लिए अपने मायके जाऊंगी तो माँ पापा से मिलकर मन हल्का हो जाएगा। जब शुक्रवार आया तो शीला काफी खुश थी, क्योंकि मनोज ने उससे कहा था कि शनिवार को वो उसे उसके मायके ले जाएगा। लेकिन उधर अंजलि तो अलग ही चाल चलने की तैयारी में थी, वो सीढ़ी से उतर रही थी और गिरने का नाटक करने लगी। अरे मर गई रे, हाय मेरा पैर, अरे ओ चंडालन कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, अब गिर कैसे गई? तुम्हारी ही बद्दुआ लगी होगी, मेरा पैर, हाय मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि पैर में ज्यादा दर्द का नाटक करने लगी और ऐसा दिखा रही थी कि वो चल नहीं पा रही हो। शीला ने गर्म पट्टी लाकर सास के पैर में अच्छे से बांध दिया। इससे आपको काफी आराम मिलेगा माँ जी। अंजलि की चाल सफल हो गई, अब इस वजह से शीला का मायके जाना धरा का धरा रह गया। कई दिन बीत जाने के बाद अंजलि सही से चलने फिरने लगी। इस बीच पड़ोस की एक महिला शीला के यहाँ आई और बातों बातों में उसने शीला को तुलसी माता की महिमा के बारे में बताया। शीला बहू, तुम तो बहुत गुणवान हो, पता है
रोजाना सच्ची श्रद्धा से एक महीने तक तुलसी माता की व्रत कथा सुनने और तुलसी के पौधे को सींचने से सारी मनोकामना पूरी होती है। सदा उस पर तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम भी एक महीने तक ऐसा ही करो। जी मैं जरूर करूँगी। शीला ने सारी बात अपनी सास को बताई, लेकिन सास ने ऐसा कुछ करने से साफ मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है ये सब ढकोसले करने की, मैं इन सब बातों को नहीं मानती और तुम भी इन सब से बच के ही रहो। शीला सास को बहुत मनाती है लेकिन वो मानती ही नहीं है। तब शीला रोजाना सुबह को अंजलि के उठने से पहले पास ही के नदी में चली जाती और स्नान करके एक घड़े में पानी भरती और वहीं पर तुलसी के पौधे को सींचती और कथा सुनती। वह सास के उठने से पहले घर आ जाती। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत गए। एक दिन अंजलि जब पानी पीने के लिए सुबह को उठी तो उसने शीला का कमरा खुला देखा तो उसे शक हो गया। उस दिन तो वो जाकर सो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह को उठकर वो शीला का पीछा करती हुई नदी तक जा पहुंची। सब देखने के बाद वो बिना कुछ बोले वापस आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे मना करने के बाद भी वो तुलसी की पूजा कर रही है, लगता है इसे मजा चखाना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो कैसे पूजा करती है। रात को जब शीला सो गई तो अंजलि ने उसके घड़े की जगह पर मिट्टी का घड़ा रख दिया। शीला उठी और उसी मिट्टी के घड़े को लेकर चली गई। जैसे ही नदी में स्नान करने के बाद वो घड़े में जल भरने लगी तो मिट्टी का घड़ा टूटकर बिखर गया। ये देखकर शीला परेशान हो गई और तुलसी के पौधे के पास जाकर रोने लगी। हे तुलसी माता, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ माँ, किस बर्तन में पानी लेकर आपकी पूजा करूँ माँ, ऐसे में तो मेरी पूजा अधूरी रह गई माँ। शीला तुलसी के पौधे के पास बहुत रोने लगती है कि तभी वहाँ पर तुलसी माता प्रकट हो जाती है। उठो बेटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बर्तन नहीं है तो क्या हुआ, आज तुमने रो रोकर अपने आंसुओं से ही मेरे पौधे को सींच दिया है। ये लो, इस सोने का घड़ा है, अब तुम रोजाना इसी में जल भरकर मेरी पूजा करना। इतना कहने के बाद तुलसी माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर शीला वो घड़ा लेकर अपने घर आ गई और अपनी सास को सारी बात बताई। अच्छा तो ये बात है, ऐसा करो ये घड़ा मुझे दे दो और तुम अपने लिए तुलसी माता से दूसरा घड़ा मांग लो। शीला बहुत सीधी थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो घड़ा अपनी सास को दे दिया। दूसरे दिन उसने तुलसी के पौधे के पास जाकर सारी बात बताई तो तुलसी माता ने उसे एक चांदी का घड़ा दे दिया। पूजा करने के बाद शीला जब घर आई और सास को सारी बात बताई तो उसने चांदी का घड़ा भी अपने पास रख लिया। माँ जी, अब मैं किस घड़े से तुलसी माता के पौधे को सींचूंगी? जा, तेरी तुलसी माता तो तुझे दे ही देगी, जाकर एक और घड़ा मांग ले। शीला फिर तुलसी माता के पास जाकर रोती हुई सारी बात बताती है। तब वहाँ फिर तुलसी माता प्रकट होती है और कहती है, बेटी तुम्हारी सास बहुत लालची है, ये लो ये मिट्टी का घड़ा है, इसी से तुम अपना व्रत पूरा करो। शीला जब घर आई और अंजलि ने उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा देखा तो उसे पूछने लगी, लगता है आज तुम्हारी तुलसी माता ने तुम्हें यही मिट्टी का घड़ा दिया है। जी माँ जी। वो तुलसी तो खुद ही गरीब है, तुम्हें भला वो क्या देगी, ऐसी तुलसी की पूजा करके तुम क्या पालोगी। मैं तो तुम्हें समझा थक गई, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी है कि समझने को तैयार ही नहीं होती हो। अभी वक्त है, संभल जाओ। अंजलि के मना करने पर भी शीला ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और उसने सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी का व्रत पूरा किया। उधर अंजलि ने जो सोने और चांदी के घड़े छुपा कर रखे थे वो मिट्टी के हो गए थे, जिसे देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई और शीला को काफी भला बुरा कहने लगी। आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, तुम्हारे कहने पर ही तुम्हारी तुलसी माता ने इन घड़ों को मिट्टी का बना दिया। नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन अंजलि कहाँ समझने वाली थी, उसने शीला का बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर तुलसी माता प्रकट हो गई। रुक जाओ अंजलि, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। आप माँ, आप प्रणाम माँ। बेटी इसने तुम्हें बहुत सताया है, अब मैं इसे इसके किए की सजा देने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माता, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ माँ, आप इन्हें क्षमा कर दो, मेरी खातिर आप इन्हें क्षमा कर दो माँ। मैं अब आगे से कोई गलती नहीं करूँगी, शीला को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखूँगी। ठीक है शीला, मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर रही हूँ,
लेकिन अब अगर इसने कोई गलती की तो मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी भक्ति से काफी प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो, तुम सदा खुश रहोगी। इतना कहने के बाद तुलसी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और वो मिट्टी के घड़े सोने और चांदी के घड़े में बदल जाते हैं। अब अंजलि शीला के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है और वो भी तुलसी माता की भक्त बन जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।